एक प्लेयर को पीछे छोड़ना पड़ेगा फॉर द सैक्रीफाइस पार्ट, और बाकी प्लेयर्स को सर्कल के अंदर एंटर करेंगे। मुझे लगता है अक्षत वडेरावन जो कि यहाँ पे पीछे रहेंगे, डैमेज देंगे प्लेयर्स को, टेकडाउन करेंगे प्लेयर्स को, और बाकी प्लेयर्स को सर्कल के तरफ जाने का मौका पूरे तरीके से देंगे। और बाकी प्लेयर्स जो सर्कल की तरफ जा रहे हैं वो भी अभी इतने आसान से नहीं पहुंचेंगे, दे हैव टू फाइट फ्रॉम विद टीम स्केलेट्स। जो भी टीम इस फाइट को जीतेगी वो फिर आगे बढ़ेगी और टीम ब्लाइंड के साथ फाइट देने वाली है। दिस इज गोना बी क्रेजी, मुश्किलें बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं यहाँ पे। हमको नजर आए सरदार जी स्टार्टिंग में इस चीज की बात की थी कि अगर रिजॉर्ट जो हिल की साइड यहाँ पे सर्कल जाते हैं ना, तो जो टीम वहां पे पहुंच जाएगी उसको फायदा जरूर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टीम सोल चार फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चारों प्लेयर जिंदा रहने वाले हैं इनके, लेकिन दिक्कत है अगला जोन कहाँ शिफ्ट लेगा, सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। बहुतों की पहेलियों के जवाब उसमें यहाँ पे लिखे होने वाले, लेकिन सिक्स जोन ऑलरेडी बन चुका है। जस्ट मिनी मैप के ऊपर मेरा ध्यान यहाँ पे जा रहा है कि क्या वो फायदा ब्लाइंड पास आने वाला है, क्या वो फायदा टीम सोल पास आने वाला है, क्योंकि बड़ा फायदा लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड के पास शिफ्ट हो तो एक प्लेयर वहां पे उनका रहने वाला है। अब सोल के लिए मुश्किल है, देखते हैं कैसे उतर के यहाँ से चारों प्लेयर जाने वाले। एक शानदार एरियल व्यू से हम इस अच्छी सी कैसे गंभीर स्थिति को देख सकते हैं, लेकिन इसका फायदा स्काईलाइट्स गेमिंग यहाँ पे उठाते नजर आएगी। गमला बॉय गोब्लिन को नॉक करेंगे जरूर, लेकिन ओमेगा ट्रेड में वैक्सी को भी करेंगे नॉक, एंड यहाँ पे डायरेक्ट एक नेट जाएगा ओमेगा की तरफ से, फिनिश वहां पे सिक्योर कर लिया जाएगा। छह फिनिश टीम सोल के खाते में आ चुके हैं। अब ब्लाइंड के पास जोन का एडवांटेज चाहे रहे, लेकिन मैन एडवांटेज से अगर इकट्ठे स्लैम इन कर दिया जाए गाड़ी वगैरह लेके, तो ब्लाइंड के लिए भी यहां पे मुश्किल आ सके। डेडबुल के एचपी ऑलरेडी यहां पे लो कर दी जा चुकी है। टीम सोल दे हैव अ वेरी गुड एरिया, अब यहां से एडवांटेज बहुत ज्यादा नंबर्स का 4v2 की ये फाइट होने वाले। हां टीम सोल दे नीड टू एंटर द सर्कल, और इसीलिए अब यहां पे आपको डायरेक्टली सर्कल की तरफ मूव करते देखेंगे। प्लस गोब्लिन रेड डॉट स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे यूएमपी के साथ, जो कि क्लोज रेंज की गन है, बट स्टिल ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू निकालने का। बहुत ज्यादा बढ़िया डैमेज स्पाइक के ऊपर, बहुत ज्यादा बढ़िया डैमेज पड़ी स्पाइक के ऊपर। अक्षत को डायरेक्टली पुशिंग करेंगे और लीजिए एक प्लेयर को टेक डाउन किया। अब अकेला प्लेयर बचा, डेडपुल सर्कल भी आ रहा है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, यू कांट डू एनीथिंग। और यहां से अगर अक्षत ग्रेनेड्स में टॉस कर देते हैं इजीली डाउन कर देंगे, और टीम बोलते हैं लव टेकिंग फाइट विद द ग्रेनेड्स। एक ग्रेनेड आता दिख रहा है दोनों ही तरफों से, लेकिन लीजिए समझ गए थे ग्रेनेड आ रहा बाहर निकला, बट स्टिल पड़ी गोल, वो ग्रेनेड दैट वाज स्पिन परफेक्ट। टीम सोल गेटिंग द विनर विनर चिकन रन इन द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। जोन